अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहरयार और आप देख रहे हैं डॉक्टर एग्रीकल्चर। जैसा कि मैं आपको हमेशा से एग्रीकल्चर के हवाले से जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, इसी तरह आज एक और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक फूड के बारे में। तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो में बताया था ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस कन्वेंशनल फार्मिंग, तो उसमें ये मैंने क्लियर डिफरेंस बताया था कि कन्वेंशनल फार्मिंग क्या है और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। तो उसी के बारे में ये था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम एक्सटर्नल इनपुट जैसे पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र उनका इस्तेमाल नहीं करते। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम कन्वेंशनल फार्मिंग की तरफ मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी फूड प्रोडक्ट हो या बागात हो या फसलें हों, क्रॉप्स हों, उनमें हम ये चीज़ें डालते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इससे टोटली डिफरेंट होती है, जिसमें हर चीज़ नेचुरल होती है। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक फूड क्या होती है। तो ऑर्गेनिक फूड वही चीज़ है जिसमें हम सारी चीज़ें जो हैं मतलब ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करते हैं बगैर किसी इनपुट के। तो ये चीज़ आ जाती है ऑर्गेनिक फूड में। ऑर्गेनिक फूड में अब एक मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इंफॉर्मेशन, तो उसमें यह है कि 21st सेंचुरी में जो है यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, जापान, मेक्सिको, कनाडा और बाकी कंट्रीज़ ने मिलकर क्या किया कि एक सर्टिफिकेट जारी किया मार्केट को कि जो लोग ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करते हैं या सेल करते हैं। तो उन्होंने क्या, उनको ये ऑर्डर था कि जो चीज़ वो रखेंगे मार्केट में फॉर सेल के लिए, तो जो किचन गार्डनिंग है वो भी क्या है कि ऑर्गेनिक फूड जो है प्रोड्यूस होती है उससे। तो वो चीज़ें जब मार्केट में सेल होती हैं तो उनको लेबल लगा के रखा गया कि ये ऑर्गेनिक फूड है। तो उसका जो रेट है उसमें भी डिफरेंस रखा गया कि ये जो है ऑर्गेनिक है। तो क्योंकि ऑर्गेनिक फूड कन्वेंशनल फार्मिंग से जो चीज़ प्रोडक्ट हासिल होती है, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो चीज़ प्रोडक्ट हासिल करते हैं तो वो नेचुरली जो है बिल्कुल फिट होती है, क्योंकि उसमें जो नेचुरल ही चीज़ें सारी इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे न्यूट्रिएंट में अगर हम बात करें तो उसमें जो है जैसे हम वीट जो है जब हम उसमें से हार्वेस्टिंग करते हैं तो ग्रेन तो हम ले लेते हैं, बाकी जो स्ट्रा है या वीट का वो हम क्या करते हैं कि ज़मीन में ही इनकॉर्पोरेट कर देते हैं ताकि उससे ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़े या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हों। तो वो इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं या फूड्स हैं वो ऑर्गेनिक फूड की कैटेगरी में आ जाती हैं, क्योंकि वो नेचुरल होती हैं। उसमें हम पानी पे ही और बाकी जो नेचुरल चीज़ें हैं वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो है जो भी प्रोडक्ट हासिल होती है वो बड़ी ज़बरदस्त और उसका टेस्ट भी दूसरी से अलग होता है। तो अगर हम उधर से बात करें, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं या इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, जब ये चीज़ें जहरें इस्तेमाल होती हैं तो इससे क्या होता है, चीज़ तो हमें सही मिल जाती है लेकिन उसमें जो हम सिर्फ यील्ड ज़्यादा लेने के लिए जो है ये चीज़ करते हैं कि फार्मर जो है उनको औसत पैदावार जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। पैदावार तो हम बढ़ा लेते हैं लेकिन उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होती है उसमें जो उसकी चीज़ें होती हैं न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ या उसके अंदर जो खुराक है जो जितने भी चीज़ें शामिल होती हैं वो क्या होती हैं कि इन्हीं चीज़ों से बन के आई होती हैं जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो उससे जो है सेहत पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ज़मीन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है या उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसमें भी काफ़ी जो है फ़र्क आता है। तो इसलिए जो है हमें प्रेफर करना चाहिए ऑर्गेनिक फूड की तरफ। और जो और जब इन्होंने ये चीज़ लॉन्च की ऑर्गेनिक फूड के बारे में, तो जो रेट इसमें है कन्वेंशनल फार्मिंग से प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट जो है उसमें रेट का जो डिफरेंस रखा गया। तो जो ऑर्गेनिक फूड है वो ज़्यादा महंगी बिकती है बजाय कन्वेंशनल फूड, जो कन्वेंशनल फार्मिंग के ज़रिए जो फूड प्रोडक्ट हासिल होती है। तो ऑर्गेनिक फूड जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, नेचुरल होती है और ये सेहत के लिए, हेल्थ के लिए ज़बरदस्त होती है, बेनिफिशियल होती है। इसी तरह आपको एग्रीकल्चर के हवाले से और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। देखते रहिए डॉक्टर एग्रीकल्चर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।